प्रेगनेंसी के दौरान दोस्तों लगभग 50 से लेकर 60% महिलाओं को खून की कमी बन जाती है। खून की कमी बनने का सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों, इस दौरान जो महिलाओं का खान पान होता है उसमें अजीबो गरीब चीज़ें खाने का मन करना। दोस्तों क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो महिलाओं को खाने पीने में काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके की क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ महिलाओं का तो इतना बुरा हाल होता है कि उन्हें कई बार मिट्टी, कई बार कोयला, कई बार चौक खाने का मन करता है। इवन मिट्टी तेल की स्मेल उन्हें बहुत अच्छी लगती है। पेंट खाने तक का मन कर जाता है, कई बार कच्चा प्याज, कई बार बर्फ़ खाने की इच्छा होना। और इतना ही नहीं, कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान धूम्रपान करने का, सिगरेट पीने तक का मन करता है। और कुछ महिलाओं को तो इतना बुरा हाल होता है कि पेंट जिस जगह पे हुआ होता है तो उस दीवार को चाटना स्टार्ट कर सकती है। तो ऐसे में प्रेगनेंसी आपकी बहुत ज़्यादा रिस्की होने लग जाती है। आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी होने की जगह अनहेल्दी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान आप समझ लीजिए कि कितनी ज़्यादा घातक होती है। जब प्रेगनेंसी आपकी स्टार्ट होती है तो आपको डॉक्टरी जाँच पर भी यही कहा जाता है कि आप इस दौरान हेल्दी फूड खाइए, फल सब्जियाँ खाइए, दालें खाइए, ऐसे अनाज खाइए जिससे कि आपको सारे के सारे पोषक तत्व मिले, विटामिन्स मिले, मिनरल्स मिले। लेकिन महिलाएं अपनी क्रेविंग को शांत करने के लिए इस दौरान मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, कोयला खाना शुरू कर देती है और भी बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें महिलाएं खाना इस दौरान स्टार्ट कर देती है, जो कि उनकी प्रेगनेंसी में उनके बच्चे पर बुरा प्रभाव डालती है। अब ये जो चीज़ें हैं, ये खाने का मन आखिर गर्भवती महिलाओं को क्यों करता है, क्यों ऐसा होता है? देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी जब शुरू होती है तो इस दौरान गर्भवती महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस तो होते ही हैं, लेकिन जिन महिलाओं में कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है उन महिलाओं को इस दौरान मिट्टी खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, या फिर कोयला खाने का मन करेगा, या फिर अजीबोगरीब चीज़ें खाने का मन करेगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आपके शरीर में इस दौरान कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो आपको ये सब चीज़ें खाने का मन करता है। लेकिन प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस के चलते हुए भी आपको हो सका है कि इस तरीके की अजीबोगरीब चीज़ें खाने का मन करे, क्रेविंग आपको हो जाए। लेकिन दोस्तों आपको इसमें कंट्रोल करना है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगी, पोषण युक्त आहार नहीं लेंगी, बैलेंस डाइट नहीं लेंगी, इस तरह की चीज़ें अगर आप खाती हैं इस दौरान, इससे सबसे पहले तो क्या होगा कि आपको खून की कमी हो जाएगी। अगर आपको इस दौरान खून की कमी हो जाती है तो आपके बच्चे तक भी ब्लड अच्छे से सप्लाई नहीं होता है, उसे ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलती है, उसे सारे के सारे पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते हैं जो कि ब्लड सप्लाई के थ्रू आपके बच्चे को मिलने चाहिए। ऐसे में सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा इफेक्ट बच्चे के दिमाग पे होता है। जब बच्चा शुरुआती स्टेज में होता है तो पहली तिमाही में उसका दिमागी विकास होना भी शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर महिला को खून की कमी हो जाए, महिलाएं इस तरीके की अजीबोगरीब चीज़ें खाएं, तो ब्लड का सप्लाई तो जाहिर सी बात है कि ठीक से नहीं होगा। और जब ब्लड सप्लाई बच्चे को नहीं होता है अच्छे से, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसके मानसिक विकास पर पड़ता है, उसका विकास धीमा हो जाता है, जिस वजह से जो पैदा होने वाले बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अविकसित रह जाते हैं। तो खून की कमी होने का कारण यही है कि इस दौरान आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, ऐसी अजीबोगरीब चीजें खाएंगे तो डेफिनेटली आपको इसके दुष्प्रभाव देखने पड़ेंगे। इससे आपको भी कितनी सारी परेशानियां बढ़ सकती हैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती हैं। सबसे पहली चीज कि आपके शरीर में ब्लड की कमी अगर हो जाती है तो इससे आपको छोटी मोटी दिक्कतें शुरू हो जाती है, आपका बीपी लो रहने लग जाता है, इसके अलावा एनीमिया का खतरा आपको सबसे ज्यादा घेर लेता है, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन अच्छे से नहीं बनता है, जिस वजह से प्रेगनेंसी के अंतिम दौर में जब डिलीवरी होने वाली हो उस समय आपको खून की कमी हो जाती है, तब आपको डिलीवरी के समय काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाते हैं कि आपकी डिलीवरी भला किस तरीके से होगी जब आपके शरीर में ब्लड ही नहीं होगा। और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, डिलीवरी अगर आपकी हो भी जाती है अच्छे से तो भी बच्चे में मानसिक विकार कहीं ना कहीं दिखने शुरू हो जाएंगे जब बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है। तो मिट्टी, चौक, ये सब खाना क्यों होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन इसके जो दुष्प्रभाव हैं, जो बहुत बुरे होते हैं, इनका सामना आपको ना करना पड़े, इसके लिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान हेल्दी डाइट लेनी है। भले ही आपको क्रेविंग क्यों ना हो रही हो, तो आपको अपनी क्रेविंग को शांत करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें खानी है जो कि प्रेगनेंसी में हेल्दी हो और आपको पसंद भी आ रही हो। तो अपनी क्रेविंग को शांत करने के लिए आपको ऐसी चीज़ें खानी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हों, जो फल फ्रूट साग सब्जी आपको ज़्यादा पसंद आ रही हों, उनको ज़्यादा मात्रा में खाएं ताकि आपकी क्रेविंग इन चीज़ों से हटके हेल्दी फूड फ्रूट्स में लग सके।
तो उम्मीद है दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि कितने घातक परिणाम इसके हो सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।